नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यासकार गिरिराज किशोर का निधन हो गया है, उनकी रचना कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, गिरिराज किशोर ने एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पहला गिरमिटिया। उन्होंने गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीका प्रवास था उस पर ये रचना लिखी गई थी। और परिशिष्ट बा ये सभी गिरिराज किशोर जी की रचना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना थी वो पहला गिरमिटिया। और गिरमिटिया दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कहा जाता था। गिरिराज किशोर जी को वर्ष 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, वर्ष 2007 में पद्मश्री और वर्ष 2002 में व्यास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। ई गवर्नेंस से तात्पर्य है दोस्तों, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली में तकनीकी के प्रयोगों से दक्षता तथा पारदर्शिता लाना है। इसका आयोजन हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत केंद्रित राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पूरे देश में भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है, और यह आयोजन किया जा रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास है। संस्कृति मंत्री हैं भारत के श्री प्रहलाद पटेल, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं श्री थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में सहस्रधारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, यह किस राज्य में है। तो सहस्रधारा है उत्तराखंड राज्य में। यहाँ से जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी उड़ान, वर्ष 2017 में चालू हुई थी, उड़े देश का आम नागरिक। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहस्रधारा हेलीपैड से हवाई सेवाओं का प्रारंभ किया गया है, और यह उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और भारत के एविएशन मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ दोस्तों उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा, किस जगह पे किया जा रहा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जेरूसलम, मुंबई, तेल अवीव और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुंबई में आयोजन किया जाएगा, तेल अवीव। जेरूसलम इसराइल की राजधानी है, यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र नगरी है। यह यहूदी राज्य का केंद्र रहा जेरूसलम, और ईसा मसीह की कर्म स्थली रहा है। जेरूसलम के प्रधानमंत्री हैं श्री नेतन्याहू, और इस दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, और यह पहला आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे कम आयु की काम्या कार्तिकेयन ने विश्व की कौन सी चोटी फतह की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, माउंट किलिमंजारो, माउंट एंकाकागुआ, विंसेम माशिप और माउंट मैकिनले। तो जो काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की बहुत कम आयु की लड़की हैं, 7th क्लास में पढ़ती हैं, और इन्होंने हाल ही में माउंट एंकाकागुआ, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतह किया है। और इसकी हाइट है दोस्तों 6962 मीटर, जबकि किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 5892 मीटर। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 6194 मीटर, जबकि विंसेप मासिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है, और यह अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत ने यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री जैसे कुछ अनुसंधान केंद्र लगा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी। तो विश्व दलहन दिवस मनाया किससे जाता है, मनाया क्यों जाता है और कौन मनाया जाता है मनाता है। तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है दोस्तों
वैश्विक भोजन रूप में दालों के महत्व को पहचानने के लिए, और ये इसे UNDP मनाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना हुई वर्ष 1965 में। यह मानव विकास रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी करता है, और हाल ही में जो जारी हुई थी रिपोर्ट इसकी, तो भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ। और विश्व दलहन दिवस मनाया कब जाता है? 10 फरवरी को। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हुआ 10 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आप ये चारों ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो एक आपको पता चलेगा कि जो भारत संविधान की छठी अनुसूची में इन चारों राज्यों को स्थान दिया गया। छठी अनुसूची क्या कहती है? जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। तो आप देख, छठी अनुसूची में इन चार राज्यों को स्थान दिया गया है। और जो अभी हॉर्नबिल उत्सव है, यह एक पारंपरिक और जनजाति महोत्सव है, और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं श्री बिप्लब देव, और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस नदी की के डेल्टा को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो चारों नदियों में आप एक ही समानता देखेंगे दोस्तों कि चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा एक हिमालयन रिवर है, बाकी जो तीनों नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर, जबकि कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों कावेरी। कावेरी नदी के डेल्टा को जो तमिलनाडु के 8 जिलों में फैला हुआ है, इसे विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है, और इन जिलों को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की उत्पादकता बहुत होती है, और यहाँ पे इस विशेष कृषि आरक्षित क्षेत्र पे संरक्षित क्षेत्र में कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑस्कर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। पहला ऑप्शन है पैरासाइट, बी रॉकेटमैन, सी 1917 और डी जोकर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पैरासाइट। जो अभी 92nd ऑस्कर का आयोजन किया गया था, ऑस्कर पुरस्कारों का, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, उसमें पैरासाइट को वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है जोकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है रेनी जेनवेगर को फिल्म जूड़ी के लिए। और ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई वर्ष 1929 में, और इनका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, और बांग्लादेश की टीम ने भारत को पराजित किया है अंडर 19 विश्व कप 2020 के मुकाबले में। बांग्लादेश पहली बार इस प्रतियोगिता का विनर रहा है, जबकि भारत ने यह प्रतियोगिता चार बार जीती है, वर्ष 2000 में, वर्ष 2008 में, 2012 में और 2018 में। इसमें एक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे प्रियम गर्ग, और सबसे ज़्यादा जो यादगार पारी खेली थी फाइनल में वो है यशस्वी जायसवाल। तो इस 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ दोस्तों बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI ने निम्न में से किसे UPI सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान की है? NPCI है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह भुगतान प्रणाली की एक मात्र संस्था है, यह सभी भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करती है, और UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह NPCI की एक संस्था है जो डिजिटल पेमेंट के इंटर बैंकिंग इंटरफेस प्रदान करती है, और इन्होंने हाल ही में अनुमति प्रदान की है
एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान की है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप को अनुमति प्रदान की है। व्हाट्सएप के लगभग 10 मिलियन यूजर्स हैं विश्व के विभिन्न हिस्सों में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। इसको फाउंडर रहे हैं ब्रायन एक्शन। वर्ष 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों व्हाट्सएप। हमारे वीडियो आखिरी तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। धन्यवाद।